तुम्हारे यहाँ छोड़ती हूँ, तुम तो मेरे भाई हो, वापस आ जा। ऐसा मत करो अपने भाई के साथ, देखो देखो सोहेल की क्या हालत हो गई है, ऐसा मत करो, तैमूर। तैमूर मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, निकल जाओ इस घर से, आउट। सोहेल, तैमूर को मत भेज, मैंने तैमूर को माफ किया, ये मेरा भाई है, इसे कुछ मत कह। चाचू चाचू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप मम्मा से गुस्से हैं क्या? आप प्लीज मम्मा को फॉरगिव कर दें, हमारे लिए कर दें। आप प्लीज अंदर जाओ। फलक चलो। चाचू, आप मम्मा पापा से दोस्ती कर लेना। चाची, आप चाचू को समझाएं ना। फलक में मजीद एक मिनट नहीं रुक सकता। चलो। चाची, आप नहीं जाएंगे ना? अब हमारा तुम लोगों पे कोई हक नहीं, मैं ख्याल रखना हूँ। बंद करो ये रोना धोना, जब मैं मर जाऊं ना तब जितना चाहे रोना। कैसी बातें कर रहे हैं आप तैमूर, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मैं कह रहा हूं चुप हो जाओ फलक, मेरा दिमाग फट रहा है इस वक्त, कहीं ऐसा हो ना कि मैं एक एक्सीडेंट कर दूं।
मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। अकलो बालिग हूं, अच्छी तरह जानती हूं मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं जो कर रही हूं और जो करने जा रही हूं उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। ये मेरे माँ बाप का घर, मैं यहां रह रही हूं, इसलिए जो चाहूं कर सकती हूं। भाई चाय। शुक्रिया। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे? जवाब की कॉल आई थी आज। जवाब कॉल नहीं कर सकता, यकीनन आपने ही उसे फोन किया होगा। हाँ बस यूं ही समझ लो। मैं आप पर बोझ बन गई हूँ क्या? नहीं ऐसी बात नहीं, बस मैं तुम्हें तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में खुश देखना चाहता हूँ। सिर्फ शादीशुदा जिंदगी में खुश रहा जा सकता है? क्या मैं ऐसे ही खुश नहीं रह सकती? तुम ये नहीं पूछोगी कि जवाब ने मुझसे क्या कहा, मैंने उससे क्या बात की? मैंने उससे पूछा है कि उजारा को लेने कब आएगा, और उसने कहा होगा कि मैं मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। जारा से कहें वो खुद आ जाए, मैं फिर कभी जारा के साथ चक्कर लगा लूंगा। सारा ये तुम? मुझे पता है उसने यही कहा होगा, क्योंकि उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, उसके पास हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए टाइम नहीं है। मैं अकेले रह रहकर थक गई हूँ, मैं दोबारा जाकर दीवारों में कैद नहीं रह सकती हूँ। मुझे दोबारा जाने के लिए फोर्स मत कीजिए। अगर आपने दोबारा मुझे जाने के लिए कहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जरा मेरी बात समझने की। जरा उसने तो मेरी गर्दन पे छुरी रख दी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, वो मुझे जान से मारना चाहता था। हाय किंजाबाजी, मैं मर गई, तैमूर साहब ने आपकी गर्दन पे छुरी रख दी। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो आज तक आपसे नजर उठा के बात तक नहीं की, फिर इतनी बड़ी हिमाकत। यही तो गलतफहमी थी मुझे भी। हमारा तैमूर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता।